पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी की बैठक आज आईएम हॉल में राष्ट्रीय एक्शन कमेटी का रखा गया। यह बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें पार्टी विस्तार पर चर्चा, जिला से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत तक, शहर से गांव तक, खेत से खलिहान तक इस पार्टी की आवाज़ पहुंचाने में हम लोग कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि यह पार्टी जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसमें सुधार कैसे हो इस पर पार्टी चिंतन कर रही है। पार्टी का उद्देश्य मूल रूप से यह है कि समाज जो वंचित अंतिम पोदान पर है उसको अधिकार कैसे मिले यह हमारी पार्टी चिंतन करती है। पार्टी को विस्तार करने के लिए क्या क्या करना करेंगे आप? हम आह्वान किए हैं लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का। इसका विचारधारा है हम आज भी आज़ादी हुआ हमारी लेकिन गुलामी में आज भी हम जी रहे हैं, जंजीर के गुलामी में आज भी हम जी रहे हैं। और वो गुलामी है जात की गुलामी, धर्म की गुलामी और शिक्षा की गुलामी, बेरोजगारी की गुलामी और आर्थिक जैसी गुलामी के जंजीरों में हम लोग आज भी जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं इसको बंद होना चाहिए। इसके जगह पर एक रोजगार एक परिवार में मिलना चाहिए। ये जितने पर हमारे नौजवान पढ़ लिख कर करके घर में बैठे हुए हैं और माँ और बाप वृद्धा पेंशन राशन उठा कर करके लाता है और पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा युवा हमारा बैठ के घर में खाता है। इसका मूल कारण है कि हमारे देश के नौजवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास आज ऑप्शन अगर हो जाए, हम चाहते हैं उसको यूज किया जाए। आखिर वो शिक्षा ग्रहण किया है किस लिए? पेट काट कर करके लोग पढ़ाया है और उसकी पढ़ाई की जो है मूल रूप से आज जो है उपयोग नहीं हो रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।